नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। गलवान घाटी पर भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद से पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है, पूरा देश बदला चाहता है। तो अब बिहार में इसको लेकर राजद पीएम मोदी पर हमलावर है। इस बार तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके पीएम मोदी के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने कहा था ये 56 इंच का सीना है। इस बार उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ये 56 इंच का सीना नहीं बल्कि 5.6 इंच का सीना है। आपको बता दें कि लगातार राजद की तरफ से ऐसे तंज जो है पीएम मोदी के बयान पर कसे जा रहे हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी से कहा था कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश में उबाल है तो पीएम मोदी कहाँ छिपे हुए हैं, उनको सामने आना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि वो 56 इंच का सीना आखिर उनका कहाँ चला गया। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके पीएम मोदी के इस बयान पर तंज कसा था। एक बार फिर से उन्होंने ये ट्वीट किया है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जब से ये हिंसक झड़प हुई है, जब से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद से ही पीएम मोदी भी एक्टिव हैं इसको लेकर। उन्होंने कल ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिस बैठक में तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की गई थी, सुझाव भी लिए गए थे, सभी बड़े नेता उसमें मौजूद थे। और पीएम मोदी ने इसमें साफ किया था कि हमारे जो सेनाएँ हैं जो चीन सीमा पर तैनात हैं वो बिल्कुल ही सक्षम हैं वहाँ पर, और कोई भी हमारा चेक पोस्ट उनके अंडर में नहीं गया है। वहाँ पर सब कुछ स्थिति जो है वो सामान्य है, बातचीत आगे की जा रही है, चीनी नेताओं के साथ जो है बातचीत भी चल रही है, इसको सुलझाया जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की तरफ से या फिर राजद की तरफ से लगातार पीएम मोदी पर अटैक किया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी करते हुए पीएम मोदी से यही पूछा था कि पीएम मोदी बताएं कि आखिर जो वहां पर सैनिक थे वो बिना हथियार के चीनी सेना के सामने क्यों गए थे, इसका जिम्मेदार कौन है। तो ऐसे में विपक्ष जो है इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है और पीएम मोदी पर तंज कसने की कोशिश कर रहा है। और कहने का मतलब ये है कि जिस बात पर पीएम मोदी ने जनता से वोट लिया था कि वो सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यह आश्वस्त किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और समय रहते सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार शहीद जवानों को सैल्यूट करते हुए